पुरान थाना क्षेत्र में एक 7 साल का बच्चा पिछले 3 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक 7 साल का बच्चा पंजाब के अमृतसर के पास से यानी 900 किलोमीटर की दूरी तय करके जालौन कैसे पहुंचा, ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 दिन से वो लगातार मदारीपुर और आसपास के कस्बे में देखा गया। स्थानीय लोगों ने उसको पुलिस को सुपुर्द किया है। पुलिस भी अब उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। उस बच्चे से जब स्थानीय पुलिसकर्मियों ने बात की है, पूछताछ की है, तो वो अपने आप को अमृतसर पंजाब का बता रहा है और पंजाब का जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, वहाँ के पास कोई मार्केट है उसके पास का वो बता रहा है। हालांकि पूरी बात या पूरा पता वो नहीं बता पा रहा है। पुलिस भी बड़ी असमंजस में है कि आखिर इस मासूम को उसके परिवार से कैसे मिलाया जाए। किसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी वो नहीं बता पा रहा है, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी है और पुलिस बराबर इस कवायद में लगी है कि किसी भी तरीके से इस मासूम के परिजनों का पता लगाया जा सके और मासूम को उसके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे पता लगेगा, स्थानीय पुलिस कैसे पता लगाएगी कि इस मासूम के माता पिता कौन। एक चीज़ और है, बच्चे से हमने जब बात करने का प्रयास किया तो उसका कहना यह था कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ घर से निकला था। उसके दोस्त कहाँ गायब हुए हैं ये अभी गूढ़ विषय है। फिलहाल वो कहता है, कभी कहता है कि ट्रेन से आए हैं, कभी कहता बस से आए हैं। हालांकि बड़ी दिलचस्प कहानी है उसकी, लेकिन जब तक सारी चीज़ें क्लियर ना हो कुछ भी कहना बेमानी होगी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अजीत सिंह। पिताजी का नाम क्या है? किरण सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? अमृतसर। अमृतसर में किस जगह के रहने वाले हो? अमृतसर के आसपास। नहीं, अमृतसर के आसपास कोई जगह है याद है तुमको? वो बता रहे थे तुम क्या बता रहे थे, कौन सा मंदिर आप बता? अमृतसर के पीछे वाली मार्केट है। पीछे वाली मार्केट कोई मंदिर बता रहे थे आप? मंदिर तो स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर के आसपास रहते हैं? क्या भाई बहन है आप? दो। पिताजी का नंबर है घर का, किसी का कोई नंबर हो? आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? ट्रेन से। अभी आप कह रहे थे कि आप बस से आए हैं? वहाँ तक पंजाब से आधे रास्ते में ट्रेन से आए। मैं जैसे नींद खुली मैं बस में बैठ के आ रहा। ऐसा तो नहीं कोई आपको छोड़ गया हो यहाँ पे? वहाँ से किसके साथ आए थे? वो नहीं पता, मुझे नींद आने लगी एकदम बस। जब मेरी नींद खुली तो मैं ट्रेन में था, जैसे ट्रेन रुकी मैं वहाँ से उतरा और फिर बस में चढ़ा, फिर पैदल चलते चलते बस दिखी उसमें चढ़ा और यहाँ पे आया। तो आप अकेले कैसे आ गए यहाँ पे? ऐसा तो नहीं था वहाँ से किसी के साथ आए हो? मेरे 3 दोस्त थे, वही मेरे साथ खेल रहे थे, वो तीनों गायब हैं।